विलेज क्रॉस कर रहे हैं। क्या नाम है भैया विलेज का? खलसर। खलसर। ओके, अभी हम खलसर विलेज क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे काफ़ी खाने पीने के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और इस समय वेदर काफ़ी वार्म हो गया है यहाँ पे। और व्यूज इस तरीके के दिख रहे हैं। तो हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट स्टॉप पे दशकित मॉनेस्ट्री। ये टेंपल के अंदर जाने का रास्ता है। तो अभी जस्ट अंदर से हमने टेंपल देखा, मैंने थोड़े से आपको ग्लिम्पसेस दिखाए हैं, हालांकि अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो जितना दिखा पाई उतना दिखाया है। बाकी अब हम आगे से पूरा मॉनेस्ट्री देखते हैं। अगर आप देखोगे तो मॉनेस्ट्री वो सामने है, बुद्धा का स्टैचू इधर है लेकिन मॉनेस्ट्री उधर है, राइट? मेरे पीछे ये रही मॉनेस्ट्री दशकित की, जहाँ पर अभी हम इसके बाद जाएंगे। तो बहुत ही पिक्चरसेनिक व्यू पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ की एंट्री फ़ीस है, आपको 30 रुपीज़ पर अडल्ट यहाँ पे फ़ीस पे करनी पड़ती है एंटर करने के लिए, और उसके बाद आप ड्रोन यहाँ नहीं उड़ा सकते ऐसे बिना परमिशन के। यहाँ पर नो ड्रोन एरिया है, अगर आपको ड्रोन उड़ाना है उसकी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। फ़िलहाल ये देखिए खूबसूरत बुद्धा का व्यू। ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये यही जगह जहाँ पर दलाई लामा जब भी आते हैं स्टे करते हैं। मॉनेस्ट्री के एकदम सामने है, वहाँ मॉनेस्ट्री है, यहाँ पर दलाई लामा स्टे करते हैं, और हमारे ठीक पीछे इधर से ही अगर हम देखेंगे तो ये स्टैचू है ऊपर। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं दशकित मॉनेस्ट्री। 250 स्टेयर्स है, 250 सीढ़ियाँ ऐसा ऊपर जाना है हमें। ऑलरेडी हम इतनी एलिवेशन पे हैं, आप 250 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हम लोग ऊपर जाने के लिए, और उसके बाद जब मैं आऊँगा जैसे देख रहे हो आप ये जा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ना वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो अभी मैं ऊपर जाती हूँ। मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊँगी सारा कुछ अंदर,
बट यस बता ज़रूर दूंगी क्या है वहाँ पे। और यहाँ से देखिए ये दिख रहा है बुद्धा स्टैचू। अभी ऊपर की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। ओके अब हम लोग ऊपर से जस्ट नीचे आए हैं, थक गए हम लोग। 250 सीढ़ियाँ थी। एक अच्छी मॉनेस्ट्री है, अच्छा पीसफुल लगा अंदर जाके। आप भी जाएंगे आपको पीसफुल लगेगा। बेसिकली वही है जैसे हर मॉनेस्ट्री में होता है। तो गए थे हम लोग सब, अभी आए हैं ऊपर से। बस ये कि रूट अच्छा ऊपर जाने का, आपको ऐसा लगता है नहीं कि स्ट्रेट अप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, बीच बीच में थोड़ा सा आता है उसके। तो ये है हमारा टेंट हाउस जिसमें हम अभी 2 नाइट स्टे करने वाले हैं। मैं आपको अंदर से दिखा देती हूँ। ये है हमारा 211, यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। ये बेड है, साइड में सॉकेट्स भी अवेलेबल हैं चार्जिंग के लिए, सब हैं। इधर मिरर दिया हुआ है, ये पूरा ऊपर से ऐसे कवर्ड है, विंडो भी दी हुई है। और सबसे अच्छा पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ, इसका वॉशरूम। ये देखिए, ये इसका वॉशरूम है विद ऑल दी एमिनिटीज़। सब कुछ अवेलेबल है और बताया गया कि गर्म पानी भी अवेलेबल है। हालांकि अभी इतनी गर्मी है, ज़रूरत नहीं है, बट दिस इज़ इट। हम लोग अभी हाई टी के लिए आए हैं यहाँ पे। टी और बिस्किट्स हमें मिले हैं। ये हमारा स्टे है। हमने चाय बिस्किट ले लिया, ये रही मेरी चाय। और ये रहे बहुत सारे बिस्किट, भूख लगी है, मैंने बहुत सारे बिस्किट उठा लिए हैं। अब मैं ये खाने वाली हूँ। अभी सिर्फ मेरे साथ एक और ही आए हैं यहाँ पर। ये शीतल आई है और सुकृति आ गई है, वो लेने गई है अपने रे चाय। अभी बाकी सब आ रहे हैं धीरे धीरे। सुरेश चाय ले आया और हम सबके लिए बिस्किट लाया। वेरी गुड, सच अ ट्रूपर गाय, सबके लिए लाए है। मैं लूँगी, मैंने तो मंगवाए हैं। थैंक यू। हम सब ने अब बिस्किट्स ले लिए अपने हिस्से के और अब हम चाय ले रहे हैं। ओ हमारे बॉस आ गए, बॉस चाय पी लो। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं यहाँ पर सैंड ड्यून्स पे। देख पा रहे होगे कितना रश है, कितने लोग हैं इस समय यहाँ पे। ले में इस समय इतना ज़्यादा फुटफॉल हो रखा है ना। अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं देखने के लिए कैमल्स को कि अगर हम करना चाहते हैं राइड की नहीं, क्योंकि हम सब ने भी डिसाइड नहीं करा है। पहले देखेंगे, अगर हमें लगेगा हम सब करना चाहते हैं तभी हम करेंगे, क्योंकि मोस्टली सब ने जैसलमेर में, किसी ने दुबई में, किसी ने कहीं बाहर कर रखी है ये कैमल राइडिंग। तो देखते हैं अभी। चलिए ये पहले देखो ज़रा लोगों को। हमने कैमल राइड कर ली है। गाइस कैसा रहा एक्सपीरियंस? वंडरफुल, बहुत मजा आया। सबसे ज्यादा ललित को मजा आया, उसके कुछ रीजन है, ललित बताएं। आई एक्चुअली पसंद आ गई उसको। आई एक्चुअली एंजॉयड माय कैमल, ही वाज टू फ्लफी लाइक। आई
आई होप आपको समझ में आया। तो ये सारी एक्टिविटीज अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप ATV राइड कर सकते हो, आर्चरी कर सकते हो, पेंट बॉल, वॉलीबॉल, और साथ ही साथ आप अपनी कैमल हम्प राइड भी कर सकते हो, कैमल राइड भी कर सकते हो सॉरी। अभी हम लोग सब कैमल राइड करने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग थोड़ा जो रिवर वाला साइड बना हुआ है पानी वाला, उसके पास थोड़ा सा हैंग आउट करेंगे। टेंजिन हमारा फ्रेंड बहुत हेल्प कर रहा था हमारी, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी है, और गिटार भी लेकर आया था बजाने के लिए हमारे लिए, बट टाइम नहीं मिला। अभी हम लेकिन कैम में जाके बजाएंगे इसको।